टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने इस बात का कड़ा संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन जल्द ही केंद्र की सत्ता संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारें कभी कभी केवल एक दिन के लिए ही चलती हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब कल यानी रविवार शाम को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भले ही आज सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कल ऐसा नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि उसकी पार्टी देखो और इंतजार करो किस स्थिति में रहेगी, और अगर कमजोर और अस्थिर बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है तो उन्हें खुशी होगी। बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नव निर्वाचित सांसदों की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है, देश बदलाव चाहता है, ये जनादेश बदलाव के लिए था, हम इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखे हैं। ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, इसलिए उन्हें इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, किसी और को पदभार संभालना चाहिए था। इंडिया आज के स्टेक कोड़ी नहीं बोले काल कोड़ बिना, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग द सिचुएशन, कंट्री नीड्स चेंज, मोदी के क्यों चाइना। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि पार्टी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। आज भले ही इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश न किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल वो दावा नहीं करेंगे। चलिए कुछ समय तक इंतजार करते हैं। बनर्जी ने कहा कि केंद्र की अस्थिर और कमजोर सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को निरस्त करने की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ST News।